अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी के उनियारा में आगमन पर विशाल जुलूस के रूप में पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। माली समाज अपना हक और अधिकार को लेकर रहेंगे और जुटेंगे जयपुर में। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी ने जिले के समाज के सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा व समाज में जागृति के लिए एक दिन का जनसंपर्क किया और माली समाज की 11 मांगिए जो है उनको लेकर के आरक्षण के कई मुद्दों पर जिले में कई कस्बों में संपर्क किया और युवाओं से अपील की कि जल्दी से जल्दी आरक्षण की मांगों को लेकर राज्य की राजधानी में कुछ सर करेंगे। आज आप प्रदेश स्तरीय माली समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, किस उद्देश्य को लेकर आप ये सफर कर रहे हैं? ये हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम टोंक दौरे पे हैं और टोंक दौरे में आज देख रहे हो जिस तरह से हमारे युवाओं का आज 11 बज गए लगभग, तब भी जबरदस्त युवाओं का जोश और जुनून मिल रहा है। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है और आने वाले समय में जिस प्रकार पूर्व में सरकारों को हमने बताया कि लड़ाई बहुत अच्छी और लंबी होने वाली है, उसी को लेकर हमारे 11 सूत्रीय मांगों लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे पूर्व में आपको पता है कि ये लड़ाई किसी एक समाज की नहीं है बल्कि सर्व समाज की लड़ाई है। हमें गर्व है कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम ये हमारी मांगों में ये भी लिखा है कि हमारी एजुकेशन राइट, सबकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो हमें तो मिलेगा नहीं स्पेशल, वो तो सबको मिलेगी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने साफ साफ शब्दों में कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमें ही नहीं सबको मिलनी चाहिए। और पूर्व में जो 3 मांगे मानी गई है वो उसमें देखे भी होंगे, हमने साफ शब्दों में कहा था कि जो ठेले ठाले वाले हैं उनका स्थायीकरण होना चाहिए और स्थायीकरण हमने करवाया, वो किसी एक समाज का नहीं था बल्कि सर्व समाज का था। और आज मैं गर्व करता हूँ कि ये समाज में